नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा, इट इज अनदर यूजफुल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए कैसे ये बनता है। पहले फटाफट हम कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10SO, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको बनाने का तरीका देखिए जरा, एक चीज आपको इसमें याद रखना है, नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, देखिए Na2, देखिए भाई थोड़ा ध्यान से देखें, Na2CO3 जो होता है इसका भी नाम है, इसका नाम है सोडा एश। ओके, सोडा एश, ठीक है, ये याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, और वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है। ओके, तो देखिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए नंबर वन हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl, ओके, और उसको अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, ओके, तो क्या बन जाएगा, या फिर मैं इधर ही कर देता हूँ ना, सीधे जल्दी में लिखता हूँ। स्टेप नंबर वन में देखिए क्या करेंगे, कैसे बनाना है, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्यूट From sodium chloride in the following steps, ठीक है? Washing soda is prepared from, याद है ना कल बोला था हमने sodium chloride से कुछ useful compounds बनाते हैं, okay? तो उसमें से एक कौन है, sodium carbonate decahydrate, जिसका नाम common name क्या है, washing soda, ठीक है? तो सबसे पहले brine solution is reacted with ammonia and carbon dioxide, तो the reaction will be like this, NaCl plus H2O plus NH3 अमोनिया, ओके, प्लस CO2, देखिए क्या बनेगा इससे, जब भी कार्बोनेट लगा हो तो क्या बनेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लगा हो तो क्या बनेगा, कार्बोनेट, ओके, तो इससे बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान दे इधर, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, अब बचा कौन, अमोनिया, और अमोनिया कौन सा ग्रुप बनाता है, अमोनियम और क्लोरीन देखिए बैठा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, NH3 क्यों बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इज इट बैलेंस, बैलेंस है कि नहीं है, यस बैलेंस, ऑक्सीजन 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन 4+1 5 3+2 5 balance, okay. अब देखिए step 2 में क्या करना है आपको, ये जो sodium hydrogen carbonate मिला हुआ है आपको, ठीक है ना, ये ना soluble नहीं होता है अच्छे से water में, ये soluble नहीं होता है अच्छे से water में, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, filter से अलग कर लेंगे, by filtration इसको छान कर फिल्टर करके आप इसको अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद इसको सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद क्या कर देंगे, इसको हीट। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, NaHCO3 इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड, ड्राइड एंड हीटेड, देखिए भाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, हीट करिए, NaHCO3 व्हेन हीटेड क्या देगा बताइए, Na2CO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, क्यों भाई समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बोनेट लगा था इसलिए पक्का क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम कार्बोनेट भी यहां पर बनेंगे, अरे सॉरी
Na2CO3 carbonates. Is it balanced? No. यहाँ पे 2 लगा दोगे आप balanced हो जाएगा ये. Third step देखिए क्या करते हैं. ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट अभी ये कैसा है? एनहाइड्रस है. ओके. इस एनहाइड्रस को अब आप किस में डिसॉल्व करोगे? वाटर में. और रीक्रिस्टलाइजेशन करेंगे उसका. ओके. तब आपको क्या मिलेगा? डेकाहाइड्रेट. लेकिन ये जो बना ये क्या बना आपका? सोडा. ओके. सोडियम कार्बोनेट. थर्ड स्टेप देखिए. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वॉटर. इज डिजॉल्व इन वॉटर. इसको वॉटर में डिजॉल्व करिए और रिक्रिस्टलाइजेशन करिए. एंड रिक्रिस्टलाइजेशन. एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स. वॉशिंग सोडा. हाइड्रेटेड क्रिस्टल है ना Na2CO3.10H2O. तो वो रिएक्शन कैसे होगी? Na2CO3+10H2O gives Na2CO3.10H2. नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. यही क्या है? वॉशिंग सोडा. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा. इधर ध्यान दें. ये जो वॉशिंग सोडा बना है ये एक तरीके का सॉल्ट है. हाइड्रेटेड सॉल्ट है कि नहीं पहले बताइए. yes, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है. ये वाला ग्रुप कहां से आया है? NaOH से. ये वाला ग्रुप कहां से आया है? H2CO3 से. तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. और ये क्या है? वीक एसिड. इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक. एल्केलाइन या फिर बेसिक नेचर है. अगर इसका बेसिक नेचर है तो ये क्या करता होगा? ब्लू को रेड. नो. रेड को ब्लू में चेंज कर देता है. ओके. इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. तो याद. अच्छा इसका भाई आप नेचर याद रखिएगा प्लीज. नेचर याद रखने का स्टाइल देखा? ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस. इसलिए नेचर कैसा है इसका? बेसिक. तो इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देगा? ब्लू. ओके. नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा. नोट इसको रब कर दो. स्टेप नंबर 1. हाँ. प्रॉपर्टीज देखिए इसकी. प्रॉपर्टीज नंबर 1. इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. नंबर 2. इट्स सॉल्यूशन इन वॉटर इज एल्केलाइन. है ना? वही चीज है. इट्स सॉल्यूशन इन वॉटर इज एल्केलाइन. मीन्स इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर. ओके. नंबर 3 प्रॉपर्टी. इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज. इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज. क्लींसिंग प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हैं? ग्रीस या ऑयल पार्टिकल्स को, डर्ट पार्टिकल्स को हटा सकता है. इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? वॉशिंग सोडा. ठीक है. अब देखिए क्लींसिंग प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म क्या होता है ये हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में. वो अभी हम नहीं देखेंगे. ओके. ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है इसकी यूजेस. यूजेस नंबर 1. एज अ क्लींसिंग एजेंट इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. है ना? धुलाई उलाई के काम आता है ये. ओके. तो एज अ
क्लींसिंग एजेंट या एज अ क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट इट इज यूज्ड एज या इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. ओके, नंबर टू फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. सुनिए इधर, वाटर में दो तरीके की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी एक परमानेंट. ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका जो केमिकल रिएक्शन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. बट याद रखिए कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ. ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, परमानेंट हार्डनेस वाला. नंबर थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर्स. नेक्स्ट एंड लास्ट, मैं आपको कम से कम फोर पता होना चाहिए, फोर में लिखवा दे रहा हूं. लास्ट प्रॉपर्टीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स. बोरेक्स का फॉर्मूला सुनिए क्या होता है, Na2B4O7.10S2. बोरेक्स क्या है, Na2B4O7.10S2. ये भी सोडियम का एक कंपाउंड है जो कि किसकी हेल्प से बनाया जाता होगा, वॉशिंग सोडा की हेल्प से. ओके, और अगर आपको इसके यूजेस पढ़ने हैं और डिटेल में तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ये नोट्स मैंने आपको इतने बनवा दिए. इसके बाद हम लोग करेंगे बेकिंग सोडा. ओके,